जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस अभी हम जा रहे हैं हरम के लिए। जी बिल्कुल, हम अभी अभी बेसिकली हमने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया जरा बताएं। सो के और कुछ भी नहीं खाया अभी तक। थोड़ी खूब अस्तित्व अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हम जिंदे बशी और बुरी समा हाँ माशाल्लाह। दम बदम बर हमें दम बर कुल रुखसार मुहम्मद सलावत बफरस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सबसे ज्यादा मैंने ना इन चीजों को बहुत मिस किया, रेहान को। हाँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ना दरस्त में गई मैं हम उन जगह दिन दर्द खा and welcome back to another new vlog with Sayed and Saida. Saida, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस अभी हम जा रहे हैं हरम के लिए। जी बिल्कुल, हम अभी अभी बेसिकली हमने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया जरा बताएं। सो के और कुछ भी नहीं खाया अभी तक। Exactly, हम सोते रहे हैं। We tried, हमने दो तीन बार उठने की जागने की कोशिश की है and then we fell asleep again. तो भूख भी बहुत लगी है, हमने नमाज शमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं का दिन था बट थोड़ा रेस्ट आज जरूरी हो गया था। तो जी सबको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन ईरान में आके एक रूहानियत सी फील होती है, बहुत ही ज्यादा ना बंदे को सुकून होता है। इंग्लैंड भी बहुत ज्यादा फैमिली की वजह से अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत स्ट्रेस होता है, हर वक्त मतलब बिजी रहते हैं लोग। बिल्कुल बिजी रहते हैं, लाइफ बिजी हो जाती है ना, बस काम के लिए। नमाज भी पढ़नी हो तो बंदे के जहन में आ रहा होता है ये करना है वो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर आके नमाज पढ़ी, सुकून में पढ़ी, रिलैक्स होकर पढ़ी है। एक्साइटेड हूँ हरम जाने के लिए, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, हरम जाने के लिए भी और जाकर विंग्स खाने के लिए भी। अच्छा हम दोनों को बहुत भूख लगी है, आपको पता है हमने लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा, हम कह रहे थे ओ जाके भी हमने खाना खाना है, और फिर जब खा लिया तो फिर भी लाइक ओ नो ये क्या हमने किया, तो हमारे तो जल्दी फुल हो जाते हैं। बट ये है कि ये ग्रिल्ड फूड है, थोड़ा रिलैक्स्ड है, तो लेट्स गो लेट्स सी। अच्छा सईदा आपके दिखा रहे हैं, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरे फेवरेट है, यादगार के केक रस। अच्छा जी यहाँ पे रस नहीं मिलते है ना, तो इसको रस पसंद है, इसने कहा जरूर लेके जाने, फिर हमने पैक किए थे। तो मुझे ये था कि शायद ये मुझे इस तरह फीलिंग थी कि शायद ये जो है टूट जाएंगे ये समथिंग, लेकिन बिल्कुल सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। ये आपने अल हलाल से लिए थे? नहीं नहीं नहीं, एक और शॉप थी वही रास्ते में मिल गई तो थी। जबरदस्त है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी तो चलें बिस्मिल्लाह लेट्स गो, हम दोनों रेडी हैं। आई जस्ट नीड टू पुट ऑन अ जैकेट, लेकिन पता नहीं है वेदर कैसा है, सुना तो था कि स्नो हुई है, जैकेट पहन के जा रहे हैं, लेकिन वैसे तो अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो लेट्स गो। आई जी चलें बिस्मिल्लाह। गर्मी इसलिए आपको लग रही है अंदर हीटिंग ऑन है? हीटिंग ऑन है इसलिए, तभी मैं सोच रही हूं गर्मी क्यों लग रही है। चलें चलें सईदा लेट्स गो आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, लेट्स गो और ज़ियारत भी करनी है। चला फैमिलियर स्ट्रीट, फैमिलियर उसी तरह का जो एनवायरनमेंट होती है, और मतलब स्ट्रीट के ऊपर चलने की जो स्मेल होती है, जो शॉप्स होते हैं, जो चलने का नीचे टर्मैक है उसका भी, यार हर चीज के भी फेमिलियरिटी, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा तो होपफुली वैसे फ्राइडे है, फ्राइडे के शॉप्स क्लोज होते हैं, तो होपफुली खाने की हमारी जगह ओपन होगी। तो यह जस्ट बेसिकली भी हम खाना खाने जा रहे हैं, भूख बहुत लगी है। यह ओ खुशबू आ रही है, ओपन जी जी ये ओपन है बिल्कुल, और बाकी यह है कि खुशबू से पता चल गया केस ओपन। मेन चीज़ तो यह खुशबू से ही पता चल जाता है। सो लेट्स गो गर्ल, यह एब्सोल्यूट आ जी जी बिस्मिल्लाह, या इली आ गए हम वापस अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको बोलते हैं भाई को सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हम जिंदे बशी हाँ माशाल्लाह। ना मारा हफ्ते बुदीम इंग्लिश अरे अरे दिशब बरगाश्तीन हमारे जिंदे बशी मिगे के कहीं ले दिले थम शुदे बुद के ना कर दी ना कर दी मैं खिदमत शुमार अलान
सबसे ज्यादा मैंने ना इन चीजों को बहुत मिस किया, रेहान को। हाँ, शुरू में जब आई थी मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन ये बट यू बहुत ज्यादा अच्छे लगते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्लोली बिल्कुल। मैं भी जब शुरू में आया था अबू कहते थे ये सब्जी खुरदन खाओ। ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अबू कहते थे कि ना ये खाओ, तो मैं कहता नहीं मुझे इतना दिल नहीं कर रहा। लेकिन जब एक बार मैंने ये खाया तो इसके अंदर इतना मज़े का जायका होता है ना, ऑनेस्टली बहुत इंजॉय करता हूँ। चलें बिस्मिल्लाह खाएं, मैं भी खाने लगूँगा जी। माशाल्लाह 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 जी, हमने खाना शाना खा के अब हरम के पास आ गए, और वी जस्ट गोइंग टू द हरम। माशाल्लाह नज़दीक आ गए। वैसे अब आप भी इस रास्ते से फेमिलियर तो हो गए होंगे, जब ये रास्ता आए तो आपको पता है कि अब हम हरम के पास जा रहे हैं। माशाल्लाह, सो वेरी क्लोज टू हरम नाउ। सही, हाँ अभी लाइट ऑन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह इंशाल्लाह हम अब पहुँच गए हरम। तो बड़ा मिस किया हरम को हमने, ज़ियारत को। तो आप सब के लिए भी दुआएं करेंगे और इंशाल्लाह, और आपके लिए सब के लिए ज़ियारत भी करेंगे। बहुत सारे दोस्त सब जो हमसे मिले थे, उन्होंने कहा था हमारे लिए ज़रूर ज़ियारत करनी है, दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह वैसे हम सब मोमिनीन के लिए करते हैं। और अभी आप देखेंगे बड़ा एरिया ये क्वाइट वगैरह है जी, लेकिन ये आप कह सकते हैं कॉम बिफोर द स्टॉर्म, बिकॉज अभी रमज़ान शुरू होने वाला है तो बहुत रौनकें होंगी। क्या इफ्तारियाँ होंगी यहाँ पर, खूबसूरत सहरी होगी माशाल्लाह। तो इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। तो बाकी आप देख रहे होंगे सईदा भी अपनी फैमिलियर चादर में आ गए हैं, यहाँ की बरकतें हैं माशाल्लाह। तो लेट्स गो इनसाइड। माशाल्लाह जी, देखें हम हरम के पास हैं, ब्यूटीफुल माशाल्लाह जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वसल्लम मुहम्मद आले मुहम्मद। माशाल्लाह आए जी, आपको हम हरम दिखाएं। माशाल्लाह अस्सलामुअलैका या सैयदा मासूमा, अस्सलामुअलैका अस्सलामुअलैका या अख्तुर रज़ा। माशाल्लाह देखें जी इतना खूबसूरत हरम है, रौनक है। आते ही यहाँ पर इतना माशाल्लाह मज़ा आता है दिल में, ऐसे एक इसकी फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। ये जब आप आएंगे तो माशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ये वो फीलिंग आप जब ख़ुद यहाँ पर होंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगी। इट कॉन्ट बी पुट इन टू वर्ड्स, वर्ड्स में वो चीज़ डाल ही नहीं सकते। तो आए हम चलते हैं अंदर, जाके ज़ियारत करते हैं माशाल्लाह। आदाब में से है कि जब आप यहाँ पर आएँ ज़री में कोई भी हरम में, तो पहले आकर इनकी ज़ियारत पढ़ें। अभी हम बिस्मिल्लाह ज़ियारत पढ़ेंगे, फिर जाके हम ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अला आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अला नूह नबीहिल्लाह, अस्सलामु अला इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अला मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अला ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हमने ज़ियारत पढ़ लिया, ये ज़ियारत हम वापस रखते हैं, इसके बाद ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत करने के फ़ौरन बाद हम ज़ियारत की नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा कुरान भी पढ़ेंगे। तो आए जी बिस्मिल्लाह, हम जल के जाके जी ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह। हमने सारी इबादत वगैरह, ज़ियारत भी हो गई, नमाजें भी हो गई। तो अभी माशाल्लाह थोड़ा हम कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ के फिर चलते हैं हम वापस घर इंशाल्लाह।
الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. جی ماشاء اللہ یہ سورہ کاف اوپن ہوا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ. ماشاء اللہ زیارت کر کے آ گئے ہیں. تو سیدہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کوکونٹ کیک. او چیک کریں ہیں ان کے پاس، یہ فنش ہو گیا تو نہیں ہو گیا؟ او دکھائیں، یہ کوکونٹ پستاشو کیک لگ رہا ہے. تو یہ پستاشو کیک لگ رہا ہے، کوکونٹ کدھر ہے پوچھیں ان سے. کیک نہیں ملا آپ کا؟ او نو اٹس اوکے، نو ڈونٹ وری. جا کے ہم کیا جوس لینا ہے؟ پینا جوس؟ اوکے لیٹس گو گیٹ سم جوس. گھر آ جائیے، اللہ اس سائڈ پہ آیا کریں میرے جب ادھر سے گاڑی آ رہی ہو. انڈرسٹینڈ؟ اوکے چلیں، آپ کو جوس ہی پلاتے ہیں، جوس پی لیں آپ. بول دیں اس کو کیا چاہیے. سلام. اچھا کیا مینگو کا لیا؟ جی. اوکے گڈ 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 گڈ. مینگو شیک. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. کیا پی رہے ہیں سیدا؟ شیر آمبے. مینگو جوس پی رہی ہے لڑکی، مینگو ملک شیک. یا آش بھی لیے. شاپر میں کیسے نظر آئے گی ان کو؟ کوئی نہیں کوئی نہیں، کل دکھانا کھاتے پیتے. ٹھیک ہے، کور میں رکھیں، آپ اپنا مینگو جوس انجوائے کریں. ہاں مینگو ملک شیک، سوری مینگو ملک شیک پی رہی ہیں یہ. اچھا لڑکی میں تو کھاؤں گا آئس کریم اینڈ ریڈی ہے تھوڑی واک کے لیے. کم لیٹس واک. گھر نہیں جا رہے، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں. آئس کریم شاپ پر نہیں نہیں، دوسری جگہ جہاں پہ نیوٹیلا والی ہوتی ہے. یاد آیا؟ نہیں یاد آیا. گھر سے آگے آگے بھول گئی ہیں، بھول گئی ہیں. چلیں کوئی نہیں، ابھی جائیں گے تو یاد آ جائے گا. لیٹس گو. ادھر تو چلے گئے ہیں گھر، انہوں نے اپنا مینگو ملک شیک لیا اور شی وانٹڈ ٹو گو ہوم. جا کے تھوڑا چاہتے تھے ریلیکس کریں، ہم آئے تھوڑا شارج وغیرہ ڈلوا لیں اپنے فون کا. السلام علیکم عزیزان، خوستید چتھری خوبی ماشاء اللہ. السلام علیکم اغای عزیز. السلام علیکم و رحمت اللہ. خوبم چتھری خوستید لندن خوش گذشت. الحمدللہ الحمدللہ. تو نبود اینجا خاموش. الله اکبر الله اکبر. نه درست میگی، من اما اونجا بودیم درد خیلی تنگ شده بود. آره آره، میخواستیم که زود برمیگشتیم. آره الحمدلله الحمدلله اومدیم. آره 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 الحمدلله. سه روز بعد دیگه رمضان شروع میشه. آره انشاءالله. الحمدلله جی، دن گزر گیا as usual. لائف از لائک دس، شروع ہوتا ہے دن گزر جاتا ہے. صبح ہم نے کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی، اینڈ ابھی میں گھر آیا ہوں. تو آئی گیس دس از گونا بی دا اینڈ آف اور ولاگ. تو چلیں جی، ہم گھر پہنچ گئے ہیں آفٹر ناٹ سو لانگ ڈے، بیکاز ہمارا دن شروع ہی رات کو ہوا تھا کیونکہ موسٹ آف دا ڈے وی ور سلیپنگ. تو ابھی ان شاء اللہ ہم گھر پہنچ گئے ہیں. تو یہ دیکھ لیں جی، سامان ہمارا، بیگز ابھی تک باہر ہی پڑے، ابھی تک ہم نے ان کو رکھنے کا بھی ہمت نہیں ہوئی. صبح انشاءاللہ ساری ان پیکنگ بھی کرنی ہے.